किसी भी देश और क्षेत्र के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उस क्षेत्र में रेल सेवा शुरू की जाए। विभाग संभाग में रेल सेवा शुरू हुई, लेकिन रेल सेवा शुरू होने के लिए जिन किसानों ने अपनी कीमती जमीनें दी, उन्हीं परिवारों को आज ना तो रोजगार मिल रहा है और ना ही कोई व्यवसाय करने का अवसर। लंबे समय से परेशान बेरोजगार लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा। संभाग के रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली और पन्ना जिले के किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी, लेकिन रेलवे विभाग अपने किए वादे से मुकर गया और रोजगार नौकरी नहीं दे रहा। शनिवार को डीआरएम सतना पहुंचे, जहां किसान नेता सुब्रत के नेतृत्व में दर्जनों युवाओं ने पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और नौकरी की मांग की है। आपको सुनाते हैं, सतना पहुंचने किसान सुभद्र त्रिपाठी और जमीन देने के बाद भी बेरोजगार घूम रहे युवाओं को, जिनके द्वारा डीआरएम से नौकरी की मांग की गई है। आज हम लोग यहाँ पे सतना में आए हैं। बीआरएन साहब पश्चिम मध्य रेलवे आज सतना आए थे। आपको मालूम होना चाहिए कि रीवा सीधी सतना सिगरौली और पन्ना नई रेल लाइन के लिए किसानों की जमीनों का अधिग्रहण हुआ। रेलवे ने मेडिकल से लेके पूरे सब चीज़ें लड़कों की जो आश्रित परिवार है उनको रोजगार देने की बात कही थी, और पेपर स्कैनिंग से लेके सबका समय निर्धारित किया गया। उसके बाद लगातार रेलवे हम लोगों की अनदेखी करता रहा। जो रेलवे से आश्रित बच्चे हैं उनको रोजगार नहीं मिला। तो इस संबंध में हम लोग आए थे, माननीय डीआरएम साहब को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, और आपके चैनल के माध्यम से हम अपने सभी जनप्रतिनिधियों से, माननीय संसद सतना, माननीय संसद सीधी, माननीय संसद रीवा, माननीय संसद खजुराहो, सभी से विनती करना चाहते हैं कि देखिए, सतना रीवा रेल लाइन 1984 में भूमि का अधिग्रहण हुआ, अब दोहरीकरण हो रहा है सतना रीवा रेल लाइन का, उसमें एक भी बच्चे को रोजगार नहीं मिला। वहीं अब रीवा सीधी सिगरौली पन्ना नई रेल लाइन के लिए भी कुछ बच्चों को रोजगार मिला है और सभी बच्चों को रोजगार नहीं मिला है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय सभी जनप्रतिनिधियों से, रेलवे प्रशासन से, केंद्रीय अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाह रहे हैं कि किसानों की जमीन गई है जिनकी, उन सभी बच्चों को रेलवे में जिस तरह से लिस्ट जारी की गई है रोजगार दिया जाए, जिनका भी भूमि अधिग्रहण की सूची में नाम है उन सभी बच्चों को रोजगार दिया जाए। डीआरएम साहब ने बहुत अच्छे से हम सब लोगों से मुलाकात की और डीआरएम साहब ने कहा है कि हम तत्काल इसमें कार्रवाई करेंगे। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी रोजगार देने की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर रोजगार देने का लिखित आदेश होने के बाद भी रेलवे रोजगार नहीं दे रहा है। ऐसे ऐसे किसान है जिनका मेडिकल ज्वाइनिंग लेटर टेबल में रखा था, उनकी दादी खत्म हो गई बाल करके उगा किया, तो हमको ज्वाइनिंग लेटर देंगे। सतना से रीवा लाइन में आपने सकरिया बिरौली को दो गांव को कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी आगे गांव हैं, मैं आप माध्यम से आप लोगों को माध्यम से मांग करना चाहता हूँ, और भी जैसे गांव हैं सतना रीवा लाइन के, उनका भी करिए और बहुत अतिशीघ्र करिए। डीआरएम साहब हमें बहुत अच्छा लगा, उनने हमें अपनी मांग रखी, उन्होंने बहुत मांग को बहुत गंभीरतापूर्ण लिया। उन्होंने बात की रेल मंत्रालय में, कल प्रस्ताव भी हुआ जो सांसद महोदय लोगों की बैठक थी, उसमें प्रस्ताव बनवा के भेजा है रेल मंत्रालय। रेल मंत्रालय जैसे आदेश आएगा तत्काल उसको नौकरी भर्ती चल जाएगी, डीआरएम साहब ने बोला।